गाइस वी वी आर आर बैक बैक अगेन अगेन विद विद अ अ न्यू न्यू वीडियो। वीडियो। तो तो कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग, लोग, कमेंट कमेंट करके करके बताएं बताएं कैसे कैसे हैं हैं आप आप लोग। लोग आज आज हम हम क्या क्या देखने देखने वाले वाले हैं? हैं? खान खान बेस्ट बेस्ट थगलाई थगलाई कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट आ आ रही रही थी थी इस इस वीडियो वीडियो की, की, तो तो ले ले आए आए आप आप लोगों लोगों की की रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट पे। पे आपके आपके बंदा बंदा है। है। चले चले देखते देखते हैं हैं इमरान इमरान खान खान की की थग थग लाइफ लाइफ है। है। देखते देखते हैं हैं वीडियो वीडियो कैसी कैसी होती होती है, है, मजा मजा आने आने वाला वाला है है देखने देखने में, में, क्योंकि क्योंकि इमरान इमरान खान खान की की थग थग लाइफ लाइफ है। है। देखते देखते किसकी किसकी बजाते बजाते हैं। हैं। और और वीडियो वीडियो का का लिंक लिंक आपको आपको डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में मिलेगा। मिलेगा। जाके जाके वीडियो वीडियो उधर उधर भी भी देख देख लेना, लेना, उनको उनको भी भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर कर लेना। लेना। और और हाँ, हाँ, हमें हमें भी भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब को को बटन बटन दबा दबा दो दो यार, यार, दबाना दबाना बंद बंद है है तुम तुम लोगों। लोगों। चले चले वीडियो वीडियो देखते देखते हैं। हैं। हो हो बी बी गॉसी। गॉसी। बुरे बुरे वक्त वक्त को को हैंडल हैंडल करने करने के के डायनामिक्स डायनामिक्स क्या क्या है, है, ये ये मैंने मैंने आपको आपको बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज चीज बता बता रहा रहा हूँ। हूँ। कभी कभी अखबार अखबार ना ना पढ़ो, पढ़ो, कभी कभी अगले अगले दिन दिन का का अखबार अखबार ना ना पढ़ो, पढ़ो, क्योंकि क्योंकि वो वो जब जब तुम्हें तुम्हें आपको आपको मार मार पड़ी पड़ी है है वो वो कोई कोई अच्छी अच्छी चीज चीज है है कि कि आपके आपके लिए लिए रखेगा? रखेगा? बुरा बुरा भला भला ही ही कहेगा कहेगा ना ना आपको, आपको, कभी कभी शादियों शादियों पे पे ना ना जाओ। जाओ। हाँ, हाँ, जब हारे हुए ना शादी पे ना जाओ। क्योंकि पता नहीं क्या वजह है, हाँ, रिश्तेदारों को खास मजा आता है जख्मों पे नमक जख्मों पे छिड़कने में। नमक छिड़कने। इसलिए बेहतर यह है कि अगर शादियों बीवी पे जाओ बच्चे हैं तो भाई। उनको लेके साथ चले जाओ कहीं बाहर, अकेले थोड़ी देर पहाड़ियों पे थोड़ा जरा वक्त गुजार के आओ। वैसे मैं ये भी बता दूं, बीवी भी बदल जाती है जब हारे हुए। बाबर वारी को आपने देखा होगा, देखा होगा आपने कौन है बाबर बाबर? वारी को? मुझे टीवी के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, कहता वो अल्ताफ हुसैन को, इमरान भाई आप कहां और अल्ताफ हुसैन कहां? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो आज तक कोई कत्ल नहीं किया, उसने 234 कत्ल किए हुए। फिर कहता उसने ब्लैकमेल डराने के लिए। अच्छा, एक बड़ा पाकिस्तान में एक बड़ी ट्रेंड है, एक ऑपोजिशन से आता था गवर्नमेंट की तरफ कि आपने इतनी चोरी की, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने चोरी नहीं की, वो कह रहे आपने भी इतनी चोरी की, थोड़ी देर में आपने भी साहब तो चुप हो इतनी चोरी जाते की। थे। तो अब इन्होंने समझना है उसको टीवी पे कि मुझे क्या कहे, मैं कहा 234 कत्ल किया, वो मेरे ऊपर क्या कहे? तो मुझे कहता आपका तो वो सीटा वाइट का आपके ऊपर तो वो केस है वो, और तस्वीर दिखा दीजिए लड़की की शक्ल आपसे मिलती है। अब वो टीवी पे बैठा था, टीवी पे बैठा हुआ है, अब मैं इसको क्या जवाब देता? मैं क्या बाबर वारी मैं अफ्रीका में चला जाऊं 100 बच्चे तुम्हारी शक्ल के दिखा दूं? पेरिस देख के आऊं मैं, पेरिस। आपको इंतजाम के सामने पेश करने का, क्योंकि उसको पता है कि वो पकड़ा गया है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं जी बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, हाँ जी वो दुकानदार दुकानें बंद हो जाएगी, जी लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। कोई हमें समझ नहीं आती कि यहाँ आधी आबादी दो वक्त की रोटी नहीं खा सकती, या 45% बच्चे पाकिस्तान के स्टंटेड ग्रोथ है, दिमाग नहीं उनके पूरे होते, कद पे नहीं पहुंचते, क्योंकि खुराक पूरी नहीं मिलती, क्योंकि डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ये डाकू मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, कर्जों में ये मुल्क डूब रहा है। और जी वो बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, ढाई करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा, वो बेचारे इस मुल्क के शहरी नहीं है। हमें शर्म नहीं आती कि हम अपनी जात पे पैसे, मेरी जी गाड़ी बंद हो जाएगी मैं दुकान में नहीं जाऊंगा, कोई हमें शर्म नहीं आती इस मुल्क में। हमें अपने जमीर जगाने चाहिए। ये जो भी बातें करते हैं कि जी तकलीफ पहुंचेगी, तकलीफ तो बेचारे उन लोगों से पूछे जो बेचारे एड़ियां रगड़ रगड़ के रोटियां नहीं मिलती उनको। 35% बच्चों को मैल्यूट्रिशन है, मैल्यूट्रिशन का मतलब बीमारियां हैं कि खुराक नहीं मिल रही पूरी। और ये वो मुल्क जिधर खुराक एक्सपोर्ट कर सकता है, इन डाकुओं की वजह से लोग बेचारे मर रहे हैं, कर्जों में डूब रहे हैं। और आज ही इस्लामाबाद में मुश्किल पड़ेगी जी, वो स्कूलों में नहीं जाएंगे। ये वो लोग हैं जो स्टेटस को के हिस्सा है, जो पैसा बना रहे हैं इस करप्ट निजाम से, जिनके खा खा के उनके पेट फटने वाले हुए हैं, मोटू गैंग बन चुके हैं, ये वो लोग हैं। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको, मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको, मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं।
तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? बहुत ही यार जबरदस्त बहुत जबरदस्ती, और सही में तकलीफ पहुंचाई है यार, शहबाज शरीफ को तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन अभी भी वो सीट पे बैठा हुआ है यार, क्या कुछ ऐसा करो यार, वो सीट से उतरे और इमरान खान वापस आए, क्या ऐसा हो सकता है, कमेंट करके बताओ। और इलेक्शन का नामो निशान नहीं है, पिछले दिनों शोर हो गया था कि इलेक्शन होने वाले, लेकिन अभी तक तो कोई नामो निशान नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कब होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।